हेल्थ का मामला पर दोस्तों अभी आप देखोगे कि राजेंद्र जी मेरे ऊपर कुछ पॉइंट बताने वाले हैं वेरिकोज वेंस के लिए, वो देख करके आपको वेरिकोज में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और आप मुंबई के हो तो अंधेरी में हमारे सेंटर पे आइए, नहीं तो नजदीक में जो भी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के एक्सपर्ट है उनसे जरूर मिलिए, बहुत अच्छा फायदा है, पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी जो है वेरिकोज वेंस के बारे में कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, उस पर जरा आप ध्यान दीजिए। अंधेरी एक्यूकेयर सेंटर अपोजिट पिंकी सिनेमा नागरदास रोड, यहाँ पे ये सेंटर है। तो आपका वेरिकोज वेंस का जो भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ आप आके अपना इलाज कर सकते हैं, या किसी आजू बाजू में कोई डॉक्टर हो उससे आप सलाह ले सकते हैं। अभी मैं आपको जो वीडियो बताने जा रहा हूँ वो डायग्नोसिस के ऊपर रहता है, हर एक का वेरिकोज का वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम अलग रहता है। तो उसी तरह जो वेरिकोज वेंस के लिए जो पॉइंट यूज किए जाते हैं मैं बता रहा हूँ कैसे उसको प्रेशर देना है किस तरह। तो अभी मैं आपको पहले पॉइंट बताने वाला हूँ वेरिकोज वेंस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है ये जो मेरिडियन में अगर जाएंगे तो यदू 9 का पॉइंट है, इसको मैं मशीन से एक्यूप्रेशर देता हूँ। यलयू 9 करके पॉइंट है, ये ब्लड वेसिकुलर सिस्टम के काम में आता है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो होते नहीं है उसमें काम में आता है। इसके बाद जो है वेरिकोज वेंस के लिए जो है यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मेरिडियन के अगर हिसाब से जाएंगे तो SP6 बोला जाता है। ये जो है हमारे कमर के दर्द के में भी काम में आता है, पैर के सूजन में भी काम में आता है। और ये आगे वाला SP9 करके पॉइंट है, जो हमारे पैर में सूजन वगैरह जो आ जाता है लिम्फ के अंदर, या ब्लड सर्कुलेशन नहीं बराबर हो रहा है, या यूरिनरी ट्रैक का प्रॉब्लम है, या फिर उसका लीवर गॉल ब्लैडर का भी प्रॉब्लम है, तो वो भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाता है। ये एक पॉइंट है। इसके बाद जो है एक पॉइंट और है जो DB34 करके है, ये यहाँ पर आउटसाइड में है। तो ये हमारे मसल्स और टेंडन्स के काम में आता है, ये गॉल ब्लडर 34 का पॉइंट है, जो मसल टेंडन बराबर वर्किंग नहीं होता है। जैसे आप वेरिकोज वेंस के अंदर देखा होगा कि लिम्स से जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है बराबर होता नहीं है, तो उसको ये ताकत देता है। और इससे के अलावा ये पैर का भी जो प्रॉब्लम है, जैसे कोई पैरालिसिस है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको GB39 बोलते हैं ये पॉइंट। तो इससे जो है पैर का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बॉन मेरो का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और जो वेरिकोज वेंस के जो प्रॉब्लम है जिसमें मसल्स में मसल्स वीक हो इसका, तो वो भी ठीक हो जाता है। इसके बाद एक पॉइंट और है जो आगे की तरफ मैंने जहाँ किया था उसके पहले थोड़ा से नीचे है, इसको Kidney 3 बोला जाता है। हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में कहीं भी रुक जाता है, बराबर हो नहीं पाता है, ऑक्सीजन बराबर मिल नहीं पाता है, तो उसका ये पॉइंट है। इसके अलावा ये अस्थमा भी में भी काम में आता है, तो आप इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए। और एक पॉइंट है जिसको ST41 बोला जाता है मेरिडियन के अंदर, ये पॉइंट यहाँ पर है। तो इसका काम जो है वेरिकोज वेंस के लिए काम में यूज किया जाता है। इसके अलावा पैर का प्रॉब्लम है वो यूज किया जाता है, एंकल ज्वाइंट है उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसके अलावा डाइजेशन सिस्टम पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसके अलावा एक पॉइंट और देना है जिसको हम LI4 बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में जो है एनर्जी तैयार करता है। अगर ब्रेन में अगर उसको समझो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ अलग तरीके से हेडेक हो या माइग्रेन का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सॉल्व करता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी में एनर्जी तैयार करता है, जैसे आप एनर्जी के लिए कोई भी प्रोटीन वगैरह लेते उस तरह। तो वेरिकोज वेंस के लिए जो आपको मैंने अभी इतना पॉइंट बताया है, तो वेरिकोज वेंस जो है लिम्फ से जो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं जाता है उसके लिए मैंने जितने पॉइंट बताए, तो वो पॉइंट जो है लिम्फिक सिस्टम पे काम करता है और बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन बराबर होने लगता है। पहले दिन से ही आपका वेरिकोज वेंस जो है वो जो है क्लियर होने लगेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो हर एक का डाइजेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, लीवर के ऊपर डिपेंड है, उसका डाइजेशन सिस्टम के ऊपर है। तो जैसे ही वो उसका डायग्नोस किया जाएगा, डायग्नोस के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसी तरह वेरिकोज वेंस आप यहाँ आकर के ठीक कर सकते हैं, एक्यूकेयर सेंटर अंधेरी ईस्ट